दोस्तों आज ये आपका 9 नवंबर 2021 और कल हमारे 10 नवंबर 2021 को यानी कि दोस्तों कल हमारे देश में छठ पूजा का त्योहार भी है और कल से हमारे भारत की सरकार सभी रसोई गैस सिलेंडर वालों के लिए यानी कि दोस्तों अगर आपके घर में एचपी का गैस है, इंडेन का गैस है या भारत गैस है यानी कि तीनों कंपनियों में से अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आजकल के जमाने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बैंक खाते में अभी भी गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं आ रहा है। तो उन सभी लोगों के लिए हमारे भारत की सरकार एक नहीं बल्कि कल से दो दो बड़ी खुशखबरी जारी करने वाली है। अगर दोस्तों आप भारत के चाहे किसी भी राज्य से आते हैं और अगर आपके घर में चाहे कोई सा भी रसोई गैस सिलेंडर है तो फिर इस वीडियो को बीच में बंद करने की भूल मत करना, बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बस वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के जो भी छोटी या बड़ी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से और सिंपल तरीके से मिल जाया करेगी। दोस्तों सबसे पहले आप रसोई गैस सिलेंडर के टुडे प्राइस जान लीजिए कि आज का आपका रसोई गैस सिलेंडर कितने रुपए प्रति चल रहा है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि हमारे यूपी राज्य में एलपीजी का रसोई गैस सिलेंडर 937.50 रुपए का पड़ रहा है और वहीं दोस्तों इसके अक्टूबर महीने की बात करें यानी कि इसकी हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो अगले महीने में यह 989 रुपए का पड़ रहा था, लेकिन इस समय आपके यूपी के लगभग सभी राज्य में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका रसोई गैस सिलेंडर 989 का पड़ रहा था वही सिलेंडर इस समय 937 का पड़ रहा है। वैसे आप मैं नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके यहाँ अभी रसोई गैस सिलेंडर कितने रुपए प्राइस चल रहा है और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप गैस एजेंसी पर जाकर के पता कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे झारखंड और बिहार राज्य में हमारा सेम टू सेम वैसा का वैसा ही प्राइस बना हुआ है। अगर दोस्तों आप बिहार झारखंड से आते हैं तो यहाँ पर हमारे भारत की सरकार ने 64 रुपए की कमी किया था और फिलहाल आज भी आपका प्राइस वैसा का वैसा ही है आपके झारखंड और बिहार में। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आज भी एक भी रुपया नहीं आता है, तो इसके लिए मैं अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया हूँ। दोस्तों अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऑफिशियल गैस एजेंसी के वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहां पर जाकर के आपको एक फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन करना होगा। और अगर आपको ये कुछ भरने में कोई भी दिक्कत या परेशानी हो रही है तो आप इस टोल फ्री नंबर 1800232355 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपका सीधा नंबर गैस के डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएगा और वहां पर सारी जानकारी अपने गैस एजेंसी के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। तो आयुब दोस्तों आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, वैसे आप में नीचे कॉमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आप यस या नो में रिप्लाई जरूर दे दीजिएगा। तो आयुब दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह रसोई गैस सिलेंडर का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई अपडेट में, तब तक लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।